Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. How are you? This is Maria Athar from Maria Athar Official. Hope everybody is doing well. और आज मैं एक बहुत मजेदार कलर के कपड़े पहन के आई हूँ. दिया खट्टा वाला ऑरेंज, विच इज अ ब्यूटिफुल ऑरेंज, जो मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है, बहुत अट्रैक्ट करता है. बट जब खुद कपड़े बनाने जाती हूँ तो हमेशा यू नो हाथ रुक जाता है. तो सबीन, जिनके आज मैं आपको कपड़े दिखाने आई हूँ, शी हैज अमेजिंग टेस्ट. आई हैव बीन वर्किंग विद हर फॉर द पास्ट मेनी ईयर्स नाउ. जब ये कपड़े सामने आए तो देयर वर मेनी कलर्स इन देम. आज की जो मैं आपको कपड़ों की कलेक्शन दिखाने लाई हूं उसमें बहुत से रंग हैं, बहुत वैरायटी है, बहुत खूबसूरत कपड़े हैं और बहुत डिफरेंट तरह के कपड़े हैं. द फर्स्ट क्लोथ्स दैट आई शोड आर ब्राइट ऑरेंज. शो यू द फर्स्ट क्लोथ्स. सो दीज आर लाइक खट्टा वाला ऑरेंज, जो कलर होता है ना, जबरदस्त वाला ऑरेंज. ये वो कलर है. इस ड्रेस की डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ अभी. अभी आप इसके स्टाइल देखें, डिजाइन देखें. इसके ऊपर ये हैंड एम्ब्रॉयडरी हुई है. पूरे के पूरे स्कैलप्स के साथ इसके चाक और दामन बने हैं. साथ उसने दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत दिया है. दिस इज खाडी सिल्क, दिस इज खाडी लॉन. आई थिंक मैं भी पढ़ के आपको बताती हूँ. और साथ ही उसने दुपट्टे की पल्लुओं के ऊपर चारों तरफ इस तरह एम्ब्रॉयडर्ड रोजेस भी बनाए हैं. सो दिस इज ऑल स्कैलप्स, एम्ब्रॉयडर्ड रोजेस, एम्ब्रॉयडरी ऑन द शर्ट, ब्यूटिफुल समरी क्लॉथ एंड साथ इजार पैंट्स बनाई है. बहुत खूबसूरत फिनिशिंग की है. ये है जी खाडी कॉटन विद एम्ब्रॉयडरी एंड स्टिचिंग डिटेल्स विद कटवर्क एम्ब्रॉयडरी ऑन द स्लिट्स एंड फोर साइड्स ऑफ दुपट्टा विद क्यूलॉट्स. सो बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी है. क्यूलॉट्स देखें आप, क्यूलॉट्स की डिटेलिंग भी जरा देखें. आप लोगों को पता नहीं नजर आ रही है कि नहीं, मैं बाद में पिक्चर्स में आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्यूलॉट्स के ऊपर भी उन्होंने डिटेलिंग की हुई है बाय कटिंग यू नो ट्रायंगल्स जो होते हैं. जिस तरह कमीज पे ये बड़े हुए हैं ना, तो पैंट्स पे छोटे छोटे हुए हैं. फिर साथ ही एम्ब्रॉयडरी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ. ये देखें, ये जो रेशम वाली एम्ब्रॉयडरी नहीं होती वो इसके ऊपर हुई हुई है. यहां पर भी जो चाक है उनके ऊपर भी फुल ऊपर तक आ रही है ये एम्ब्रॉयडरी. और साथ ही फिर गले पे और यहां पर भी एम्ब्रॉयडरी है. सो एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस इज द दुपट्टा. बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा था बिकॉज इसका स्टाइल बहुत खूबसूरत है. सो आई लव इट. थैंक यू सो मच सबीन. दिस इज द सेकंड आउटफिट. दिस इज रेड कलर, सेम फैब्रिक जो पिछले का था. वेरी वेरी कूल फैब्रिक जो आप दिन में और रात में दोनों टाइम पहन सकते हैं. इसका दुपट्टा ऑर्गेंजा का है और उसमें इस तरह रखे उन्होंने ऑर्गेंजा से ही उसको कटवर्क करके और उसमें पर्ल्स लगाए हैं, जिसका मैंने पहले फिनिश है वो पढ़ दिया था ना, वो इस कमीज का था. सो इसके ऊपर भी वही वाली एम्ब्रॉयडरी हुई है जो आपको पहले दिखाई है, जो आई डोंट नो रेशम की एम्ब्रॉयडरी होती है. फुल फ्रंट पे है इसका दामन भी उसी तरह कटवर्क और स्कैलप्स बने हुए और बाजू के एंड पर. एंड देन द पैंट्स आर प्लेन एंड दे आर स्ट्रेट एंड द दुपट्टा इज ऑर्गेंजा एंड लाइक दिस. हाँ जी, खादी कॉटन विद ऑर्गेंजा दुपट्टा, डिटेलिंग ऑफ स्टिचिंग विद पर्ल्स एट द बॉर्डर्स. सो दिस इज ऑल्सो खादी कॉटन. दुपट्टे की फिनिशिंग और डिटेलिंग भी बहुत खूबसूरत है. लेट मी शो यू, बताऊ आपको ब्लैक कलर में दिखाती हूँ. ये इसी कपड़ों में अगर आप रेड नहीं पहनना चाहते तो यू कैन बाय दिस वन. ब्लैक के ऊपर रेड कलर की एम्ब्रॉयडरी है. सो लेट मी शो यू द थर्ड आउटफिट नाउ. हाँ जी, दिस इज द थर्ड वन. इसपे भी शर्ट पे पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई है. इसपे हम दोनों से ज्यादा एक्चुअली एम्ब्रॉयडरी है. नीचे की फिनिशिंग भी अगर आप देखें तो चाकू की किस तरह हुई है, देखें रेशम की एम्ब्रॉयडरी है सारी हाथ की. बाजुओं पे भी इस तरह फिनिश किया हुआ है. एंड देन लुक एट द दुपट्टा, इट इज सो ब्यूटिफुली डन. और ये साड़ी जो है ना, ये बनाना भी आसान नहीं है और लगाना भी आसान नहीं है. तो इसकी फिनिशिंग बहुत प्यारे तरीके से हुई है. एंड दुपट्टा अगर आप देखें तो यू नो थिन भी है इसका मटेरियल. तो मुझे तो ये मटेरियल बहुत मजे का लग रहा है. आई थिंक वी एक्चुअली नीडेड दिस मटेरियल टू वेयर फॉर इनफॉर्मल फंक्शंस इन समर टाइम. दिस इज खाडी कॉटन फुल एम्ब्रॉयडरी विद ब्यूटीफुल स्टिचिंग डिटेल्स ऑन स्लीव्स एंड दामन विच इज वेरी मच इन फैशन. एंड दुपट्टा इज खाडी कॉटन सिल्क विद लेसेस फिनिशिंग. अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये खाडी कॉटन है ठीक है. मैं आपको इसका दामन भी दिखाना चाह रही हूँ और कपड़ा भी दिखाना चाह रही हूँ और एम्ब्रॉयडरी भी ठीक है. और अब खाडी कॉटन सिल्क देखें कैसी है. Can you see? This is see-through. That is not. और ये बहुत ही प्यारा कपड़ा है. So love this outfit also, Sabin. Beautiful collection. Thank you so much. Yes. So इतना प्यारा outfit है कि it's okay तो थोड़ी सी टाइम लग गया इस पर बिकॉज इट्स ब्यूटिफुल. इट्स इन बेज कलर. ये सिर्फ टॉप है which is selling. इसके साथ पैंट्स आप अपनी पुरानी पड़ी हुई भी इस्तेमाल कर सकते हो, खुद भी बना सकते हो, वट एवर यू लाइक. इसके ऊपर जो है ये हाथ का काम हुआ है सारा, हैंड वर्क शायद इसको कहते हैं. मुझे तो आज तक समझ नहीं आई हैंड एम्ब्रॉयडरी और हैंड वर्क में फर्क है. बट यस, इसके ऊपर बहुत खूबसूरत काम हुआ है और इसकी बैक में भी बहुत खूबसूरत काम हुआ है.
बैक पे एक्चुअली ज्यादा काम है, फ्रंट पे थोड़ा सा काम है, साइड इसी तरह दिया हुआ है, जो बाजू बनाया हुआ है उसके ऊपर भी काम है और यहां से खुला है, इट्स ओपन लाइक अ पोंचो। सो पर्ल से इसकी फिनिशिंग हुई है एंड इट लुक्स हसीन, इट्स ऑन शिफॉन। इसकी फ्लो और फॉल बहुत अच्छी आती है। अब मैं इसका आपको दूसरा कलर भी दिखाती हूँ और साथ ही इसकी डिटेल्स भी बताती हूँ। दिस इज अवेलेबल इन दिस बेबी पिंक ऑल्सो, लेट मी शो यू फ्रॉम क्लोज। ये देखें, ये दिस इज अ शिफॉन जॉर्जेट क्रेप, दिस इज अ शिफॉन जॉर्जेट उसका क्रेप है और उसका ये फ्यूजन शर्ट बनी हुई है। पैंट्स आप अपनी बनाएंगे क्योंकि सभी ने गिवन ओनली द शर्ट, या मे बी यू कैन आस्क हर एंड शी कैन टेल यू हाउ मच इट विल बी विद द पैंट्स। सो बहुत प्यारा लगा मुझे ये भी, आई लव द कलर, द एम्ब्रॉयडरी, एवरीथिंग। या किसी का प्राइस नहीं दी, या यू हैव टू कॉन्टेक्ट सबीन, द प्राइसेज आर नॉट हाई एट ऑल, प्राइसेज बहुत अच्छी हैं। ये देखें, सो दिस इज द अनदर फ्यूजन पॉन्चो कट, इसके ऊपर लेसेस एंड गोटे की फिनिशिंग हुई है। जब मुझे सबीन का इसमें गोटा लगा मैंने यार बहुत ही अच्छे स्टाइल से लगा, बहुत मजा आ रहा है देख के। इसका जो है ना वो पिछले का कट आपको याद है यहां से खुला था, यहां से खुला नहीं है, ये डिफरेंट तरीके का कट है, इसकी फॉल डिफरेंट तरीके की देना चाह रहे थे हम लोग। इसके भी मैं आपको लेसेस की डिटेल्स दिखाती हूँ किस तरह बनी है। यू कैन इवन टॉक अबाउट लेंथ विद हर, इसकी लेंथ बैक की थोड़ी लंबी है, फ्रंट की छोटी है, बट आई लाइक इट द वे इट इज बिकॉज इट्स गिविंग अ वेरी फ्यूजन टच। सो ये देखें जी लेसेस किस तरह लगी हुई है, एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस एंड वांटेड टू शो यू गाइस इन द वाइट पैंट्स। क्रेप कूल लाइट फैब्रिक क्रेप है ये, विद पर्ल बटन्स एंड फिनिशिंग्स, विद डिफरेंट लेसेस एंड प्लीटिंग ऑन द साइड्स, पोंचो और केप। सो ये देखिए, ये वही जो उसका पिंटेक्स वाला स्टाइल आपको याद होगा, वो मैंने बहुत पहले भी पहना है और अब भी पहनती रहती हूँ, वो मेरे गो टू क्लोज होते हैं हमेशा। आई लव दोस क्लोज बिकॉज दे आर वेरी वेरिएबल। सो इसमें उसने डिफरेंट क्या किया है, पिंटेक्स किया एंड देन शी हैज एडेड कलर्ड ऑर्गेंजा पिंटेक्स ऑल्सो इन इट, प्रिंटेड ऑर्गेंजा पिंटेक्स ऑल्सो एंड इट्स गिविंग अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल लुक। ये देखिए, ये भी बहुत खूबसूरत है, ये मैंने पहले भी ट्राई करके देखा था एंड आई फेल इन लव विद इट। इसका भी कपड़ा बहुत नरम है, आई टेल यू विच क्लॉथ इट इज, इसके ऊपर प्रिंटेड ऑर्गेंजा लगी है बट इट इज इन द सेम शेड्स जो कि कभी इसकी बेस का कलर है, जिसकी वजह से वो और भी सटल एंड ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। अच्छा, अब ये वाला जो है क्रेप विद प्रिंटेड ऑर्गेंजा ट्रिमिंग्स एंड डिटेलिंग। सो ये क्रेप कपड़ा है और इसके ऊपर प्रिंटेड ऑर्गेंजा की डिटेलिंग हुई भी है, विच इज ब्यूटिफुल। सो यस, दिस इज अ मस्टर्ड जोड़ा, आई एम लविंग मस्टर्ड दिस ईयर। सो दिस इज अनदर मस्टर्ड, ये इसके ऊपर वही वाला जो मैंने आपको भी दिखाया, सेम कलर सेम स्टाइल में हुआ है, मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ। इसमें मैं आपको तीन कलर्स दिखाऊंगी एंड ऑल थ्री कलर्स आर हसीन एंड आई थिंक सबीन हैज इवन मोर, बट तीन कलर मेरे पास पड़े हैं, सो आई एम गोना शो यू। ये भी क्रेप मटेरियल पे हुआ है। अच्छा ये देखिए, फिर फिनिशिंग विद दिस एक्सएक्स वाली लेस, यहां पे बाजुओं में भी। सो इट इज ऑल अबाउट की डिटेलिंग और फिनिशिंग कितनी है फॉर एनी क्लोथ टू लुक ब्यूटिफुल। बॉयज ब्लू कहेंगे आई डोंट नो, बट ये भी आजकल बहुत इन है शेड, ये रेड है, ये मैंने उस दिन पहना था एंड जहां पहना था सबको बहुत अच्छा लगा। ये दुपट्टे भी सभी ने सेलिंग, मुझे बहुत अच्छे लगे थे ये दुपट्टे, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा पाकिस्तान में ट्रिप और इवन उसके बाद यहां दुबई में, वेन एवर आई वेयर एनी जोड़ा जिसका सफेद दुपट्टा जाता हो, दिस इज माई गो टू दुपट्टा, इट्स हसीन, शी इज टेकिंग ऑर्डर फॉर द दुपट्टा ऑल्सो। दिस इज द ब्लैक, I will show you the Izzard pants that I wear and everybody loves them. ये देखिए, इसके नीचे उसने एप्लीक करा के बड़ी लेस लगाई दी है एंड आपकी अपनी लेंथ की वो पैंट्स बना देगी, Izzard pants. So ये देखें, व्हाइट में ये ऐसी लगती है। अब आखिर में I have one last clothes to show you. ये लास्ट जोड़ा है जी, दिस इज इन नेवी ब्लू कलर, लेस फिनिशिंग, पिंटेक्स हुआ है, डिफरेंट तरीके से है, देर इज नो चाक इन दिस, सेम कलर की पैंट्स है, हल्की सी फिटिंग है वेस्ट पे एंड द क्लॉथ इज सो फ्लोई कि बहुत मजे का लग रहा है। ऑल द क्लोथ्स दैट आई शोड यू टुडे वर जस्ट सुपर्ब, आई लव्ड ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल। इफ यू लाइक द डिजाइंस डू शेयर दिस वीडियो सो दैट और लड़कियां भी देख सके और वो अपनी ईद के लिए या डिजाइन दे सकें या इवन सबीन से बनवा सकें और अपनी जिंदगी आसान बनाएं। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, खुदा हाफिज़।